आयुष्मान खुराना को उनकी गजब के सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए जाना जाता है। उनकी हर फिल्म कुछ नया कह जाती है और हर फिल्म के कहने का अंदाज भी एक दूसरे से जुदा होता है। दर्शकों को भी आयुष्मान की फिल्में काफी ज्यादा पसंद आती हैं। ऐसे में वो उनकी फिल्मों की रिलीज से पहले उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बीच हाल ही में एक्टर ने सक्सेसफुल सिनेमा बनाने की टिप्स दे डाली है, जिस बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कई और बातें भी कही हैं, जिस बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल न्यूज नेशन बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आयुष्मान कहते हैं कि ड्रीम गर्ल, बधाई हो और बाला हल्की फुल्की फिल्में थी। एक्शन हीरो एक कमर्शियल फिल्म है। आपको कमर्शियल सिनेमा भी करना होगा ताकि अनेक और आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों को सपोर्ट मिले। ये संतुलन बनाए रखना काफी अहम है। हालांकि आप अनेक को कमर्शियल फिल्मों की नजरों से नहीं देख सकते, ये 100 करोड़ की फिल्म नहीं है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण फिल्म है। वही आयुष्मान अपनी पसंद पर बात करते हुए कहते हैं, मैं हर तरह का सिनेमा देखता हूँ। मुझे मलयालम सिनेमा देखना पसंद है। मैं फहद फाजिल का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी फिल्में कमर्शियल नहीं है, वो अपने दिल की सुनते हैं। मैं मलयालम गाने, बंगाली गाने सुनता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि सिनेमा की हर शैली जरूरी है। आपको वर्ल्ड सिनेमा के बारे में जानने से ज्यादा अपने देश के बारे में जानने की जरूरत है। आपको उन लोगों को जानने की जरूरत है जिनसे आप जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग विश्व सिनेमा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वे अच्छी फिल्में नहीं बनाते, और जो लोग शानदार फिल्में बनाते हैं वे शायद वास्तविकता को अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा वो अनीस बाज़मी का उदाहरण देते हुए कहते हैं, आप जानते हैं वह जमीन से जुड़े हुए हैं, वह दर्शकों को जानते हैं। आपने जो बनाया है उस कला के निर्माता और दर्शक होने से बेहतर कुछ भी नहीं है। आयुष्मान का ये बयान लोगों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो आपको उनका ये बयान कैसा लगा और ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।